हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड से ईवीएस पेपर से पैराडिक टेस्ट फर्स्ट के रिवीजन क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आई हूँ। अब जैसा कि आपको पता ही है, पैराडिक टेस्ट हर स्कूल में अब स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ स्कूलों में हो चुके हैं, तो चलिए हम रिविजन्स कर लेते हैं। ईवीएस में करीब 24 चैप्टर्स हैं, इसमें से मैंने 8 चैप्टर्स को 3 भागों में डिवाइड करके 8 चैप्टर्स को इंक्लूड किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप में देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट डाउन एनी 4 नेशनल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। 4 नेशनल रिसोर्स ऑफ वाटर्स के हमें नेम लिखना है। आंसर हो जाते हैं लेक्स, पॉन्ड, रिवर एंड रेन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 थिंग्स दैट आर इटन रॉ। 4 ऐसे रॉ मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जिसे कि हम कच्चा खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा। आंसर रेडिस, मूली, लेट्यूस, एप्पल एंड पोमोग्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन नेम ऑफ एनी 4 रूम इन योर हाउस। अपने हाउस के 4 रूम्स के नाम लिखने हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एंड डाइनिंग रूम। नंबर 4, name any 4 activities that you can do without water. 4 ऐसी activities के नाम लिखो जो बिना पानी के हम कर सकते हैं, playing cricket, sleeping, studying and dancing. Number 5, write down name of any 4 things with which you decorate your house. 4 ऐसे थिंग्स के नाम लिखने हैं जिसकी मदद से हम अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। आंसर हो जाता है फ्लावर्स, डियर्स, लाइट एंड सीनरी। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट आर फ्लाइटलेस वर्ड। ऐसे वर्ड्स का नाम लिखना है जो कि बिना उड़ने वाले हों और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो दोज वर्ड्स डैट वो नॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस वर्ड्स। जो वर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं उन्हें हम फ्लाइटलेस वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईटी, ऑस्ट्रिच, एस्टर एसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन सीड आर पुट इन वेट सॉइल। जब हम सीड को सूखे सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो क्या होता है? एक्चुअली सीड नीड मॉइस्चर एंड सनलाइट टू जर्मिनेट। सीड्स को एक्चुअली उगने के लिए, बाहर आने के लिए सनलाइट एंड मॉइस्चर की जरूरत होती है। सो वी पुट सीड्स इन वेट सॉइल सो डैट सीड्स कैन मेक सफिशियंट वाटर फ्रॉम सॉइल। इसीलिए जब हम सीड्स को गीले मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ पर बहुत सफिशियंट वाटर उनको सॉइल से मिल जाती है एंड टेक सनलाइट फॉर इट्स ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए सनलाइट, सीड हैव ऑल न्यूट्रिएंट स्टोर इन इट फॉर प्लांट अंटिल इट ग्रो इनफ टू मेक इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। सीड अपने अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट को स्टोर कर लेती है जब तक कि वह प्लांट नहीं हो जाता है ग्रो होकर और अपना भोजन बनाने नहीं लगता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन बनाने लगता है। एक्चुअली बीजों को अंकुरित होने के लिए नमी और धूप की जरूरत होती है, इसीलिए हम बीजों को गीली मिट्टी में डालते हैं ताकि बीज मिट्टी से पर्याप्त पानी ले सके और अपने विकास के लिए सूर्य की रोशनी ले सके। बीजों में पौधों के लिए सभी पोषक तत्व तब तक जमा रहते हैं जब तक कि वह प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाने के लिए पर्याप्त न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी नॉट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर कटिंग। हमें क्यों नहीं फ्रूट एंड वेजिटेबल को कटिंग करने के बाद वॉश करना चाहिए? आंसर, we should not wash fruit and vegetable after cutting because the minerals and protein in the fruit and vegetables will also be washed away. हमें इसलिए after cutting wash नहीं करना चाहिए fruit and vegetables को, क्योंकि wash करने समय फिर minerals and protein भी
मिनरल एंड प्रोटीन ही वेजिटेबल एंड फ्रूट से बाहर चले जाते हैं। नंबर फोर, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, आप अपने पेरेंट्स का घर पर कैसे हेल्प कर सकते हैं। आंसर, टीडी अप क्लटरिंग हो, गंदे घर से सफाई करके। टू, मेक योर बेड बेड करके। थ्री, सेट अ टेबल फॉर डिनर, डिनर के लिए टेबल को सेट करके। फोर, फीड एंड वॉक फॉर पेट्स, पेट्स को फीड एंड वॉक कराना। एंड वाटर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स में पौधे देकर। इस तरह हम अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है लॉन्ग आंसर, व्हाई शुड वी अलाउ सनलाइट टू कम इन आवर होम, हमें क्यों सनलाइट हमारे घर में आने देने अलाउ करना चाहिए। वी शुड अलाउ सनलाइट टू कम इन आवर होम बिकॉज इट किल द जर्म्स प्रेजेंट ऑन द फ्लोर एंड गिव अस विटामिन डी, क्योंकि यह हमारे घर में प्रेजेंट जर्म्स को मारता है, जो फ्लोर पर हमारे जमीन पे जो जर्म्स होते हैं उसे मारता है और साथ ही हमें विटामिन डी देता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल, गिव वन एग्जांपल्स, एक्वेटिक एनिमल क्या होता है और इसके एक एग्जांपल्स देना है। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच लिव्स इन वाटर फ्रॉम सच एज सी, ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड। एक्वेटिक एनिमल्स वह एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं और वाटर के फॉर्म्स चाहे वह समुद्र, सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील, इन सभी में रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई डू एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। आंसर, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड वाटर, फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह खाना और पानी के लिए और साथ ही अपने रहने के लिए, शेल्टर में रहना, रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड अपने आप को शत्रुओं से रक्षा करने के लिए भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें जो ब्लैंक दिए गए हैं नाम उसी से हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। फैमिली, कैनल, एक्वेटिक, फ्लाइट, माउंटेन। नंबर वन, फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, परिवार हमारा पहला स्कूल है। टू, वी मेक ए कैनल फॉर डॉग, डॉग्स के लिए हमें कैनल बनाना चाहिए, कैनल जहाँ डॉग्स रहते हैं, डॉग्स के रहने के स्थान को हम कैनल बोलते हैं। थ्री, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, फिश एक एक्वेटिक एनिमल्स है। फोर, फ्लाइट फैदर हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए बर्ड्स को फैदर यानी पंख मदद करता है। एंड फाइव, फेयर एंड फाइन ट्री ग्रो ऑन माउंटेन, थिन एंड फाइन ट्री माउंटेन में ही ग्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखेंगे। माई फादर्स वाइफ इज माई, मेरे पापा की पत्नी को मेरी क्या है, आंट, मदर, मैटरनल आंटी, एंड करेक्ट आंसर हो जाता है मदर। नंबर टू, टेल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड, टेल और स्ट्रॉन्ग प्लांट को क्या कहते हैं, सर्व्स, हर्ब्स एंड ट्री, करेक्ट आंसर हो जाता है ट्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वर्ड लव्स टू डांस इन रेन, कौन सी चिड़िया बारिश में डांस करना पसंद करती है। हेन, पिजन, पीकॉक, नट, करेक्ट आंसर है पीकॉक। नंबर फोर, दिस फूड इज एटेन बोथ रॉ एंड कुक, कौन सा ऐसा फूड है जिसे हम रॉ और कुक्ड दोनों तरीके से खा सकते हैं। पोटैटो, राइस, ओनियन, करेक्ट आंसर है ओनियन। ओनियन को हम कुक एंड रॉ दोनों तरीके से खाते हैं। नंबर फाइव, अ किचन इज अ प्लेस वेयर आर अ बाथ, कुक, शेक, नट, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कुक। क्वेश्चन नंबर एफ, सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें से हमें सर्कल अलग को छांट कर लिखना है, जैसे अंकल, आंट, हाउस एंड कजन। अंकल, आंट एंड कजन एक रिलेशनशिप है जबकि हाउस एंड घर है, इसलिए ऑड ऑन आउट हो गया। नंबर टू, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, मॉस्किटो, किचन, ड्राइंग रूम एंड बेडरूम, रूम के अंदर एक अलग अलग रूम होते हैं जबकि मॉस्किटो एक मच्छर है इसीलिए अलग है। नंबर थ्री, मॉप, ट्रीम, डस्ट पैन, ब्रूम, मॉप, डस्ट पैन एंड ब्रूम ये साफ सफाई की
समान है जबकि ट्री एक पेड़ है इसलिए ऑड है। एंड नंबर फोर, पैरोट स्पैरो एलिफेंट वुडकीपर। पैरोट स्पैरो एंड वुडकीपर उड़ने वाले बर्ड्स हैं जबकि एलिफेंट एक एनिमल है जो जमीन पर रहता है, तो ये एक अलग हो गया। एंड नंबर फाइव, फादर स्कूल मदर एंड सिस्टर। फादर मदर एंड सिस्टर हमारे फैमिली रिलेशन है जबकि स्कूल अलग हो जाता है इसलिए स्कूल डिफरेंट है। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसे एक बार और उससे पूरा देखें, स्किप ना करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं अभी क्लास थर्ड के EBS PT के PT1 पेपर के रिवीजन क्वेश्चन लेकर आई हूँ। नेक्स्ट इसी तरह क्लास थर्ड के और भी सब्जेक्ट के रिवीजन पेपर मैं लेकर आऊँगी। साथ ही क्लासेस 1 से 7 तक के और क्लासेस के भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो डेली एडिट वीडियो हमारी आएगी तो प्लीज़ आप वॉच करते रहें। थैंक यू।